हाय गाइस, मैं राजू और आप देख रहे हो टेक्निकल लेजर्ड। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम आउट ऑफ इंडिया मेडिसिन कैसे भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि हम आउट ऑफ इंडिया या अदर्स काउंट्री में कैसे मेडिसिन को भेज सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए स्पेशल कोरियर सर्विस होते हैं और सर्टिफाइड कोरियर सर्विस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे थर्ड पार्टी कोरियर सर्विसेज हैं जो कि मेडिसिन भेज नहीं सकते, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2 से 3 कोरियर सर्विसेज जो कि आपका जो मेडिसिन है वो आउट ऑफ इंडिया जहाँ भी आप भेजना चाहते हो वहाँ तक पहुँचा दे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कुरियर सर्विस है वो है DHL एक्सप्रेस। हाँ दोस्तों, DHL एक्सप्रेस ही एक ऐसा कुरियर सर्विस है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपका मेडिसिन जो है दोस्तों वो आउट ऑफ इंडिया डिलीवर कर सकती है इंडिया से, ठीक है। या आप कोई भी कंट्री से हो, आपका जो मेडिसिन है कहीं भी वो डिलीवर कर सकती है। और नंबर 2 जो कुरियर सर्विस है दोस्तों वो है ब्लू डार्ट, ठीक है। ब्लू डार्ट से आप इजीली मेडिसिन भेज सकते हो। हालांकि बहुत सारे जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ से ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ब्रांच में ब्लू डार्ट से हो जाएगा। अगर बाय चांस ब्लू डार्ट ने मना कर दिया कि मेडिसिन हमारे यहाँ से नहीं कुरियर किया जा सकता, तो आप DHL को चूज़ कर सकते हो। DHL बहुत अच्छा कुरियर सर्विस है दोस्तों मेडिसिन भेजने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मेडिसिन भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं एवरीडे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह, आई रेस्पेक्ट योर वैल्यूएबल टाइम।